हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की, मतलब कि इस चैप्टर के पार्ट 2 की, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कम्प्लीट किया था और उसके रिलेटेड बहुत ही मोस्ट टाइम PMCQs को हम लोगों ने स्टडी किया था। अगर हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को मिला के आप लोग मेनली 4 क्वांटिटीज को स्टडी करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हम लोगों ने फोर्थ क्वांटिटी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। ठीक है, तो ये चारों क्वांटिटी को मिला के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बनेगा और चैप्टर 2 के बाकी के दूसरे पार्ट के अंदर आप लोग कंडक्टर, नॉन कंडक्टिंग सरफेस के बारे में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करोगे और बाद में कैपेसिटेंस को स्टडी करोगे। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग इन चारों क्वांटिटीज़ को अगर शॉर्ट आउट करें, जैसे हमने बताया था कि ये चारों क्वांटिटीज़ हम लोग पढ़ने के बाद एक बार उसे फिर से रिवाइज करेंगे, तो याद कीजिए अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो तो आप लोग कौन सा इक्वेशन लगाते हो, के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। अगर दोनों चार्जेस सेम होंगे तो, और अगर दोनों अलग होंगे तो आप लोग क्या लगाओगे, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वेयर। ओके, चलिए फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो आपको याद ही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग इक्वेशन अप्लाई कर रहे थे के क्यू बाय आर स्क्वेयर इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, ऐसा क्यों आ रहा था, तो याद कीजिए यहाँ पे हम लोगों ने उसका डेफिनेशन निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब आप लोग डिनोमिनेटर के अंदर एक क्यू रख रहे थे, उसलिए क्या हो रहा था कि एक एक क्यू कट हो रहा था और आपको मिल रहा था के क्यू बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, और आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ पे दूसरा चार्ज क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव होगा, मतलब कि वो टेस्ट चार्ज का काम करेगा, याद है ना। ओके, फिर हम लोगों ने थर्ड क्वांटिटी को स्टडी किया था हमारे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका इक्वेशन था के क्यू बाय आर। ठीक है, तो चलिए याद कीजिए ये के क्यू बाय आर क्यों मिल रहा था, बिकॉज हमारी वेद वाली शॉर्टकट वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, जहाँ पे आप लोग एक डिस्टेंस यहाँ पे रखोगे तो एक बार डिस्टेंस कट हो जाएगा, आपको मिलेगा के क्यू बाय आर। इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हो। और लास्ट हम लोगों ने, और लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बोल सकते हो कि हम लोगों ने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पे आपको इक्वेशन मिल रहा था के क्यू स्क्वेयर बाय आर। याद कीजिए, या तो आप लोग बोल सकते हो के क्यू वन क्यू टू बाय आर। तो जहाँ पे हमने बात की थी कि भाई पोटेंशियल एनर्जी में आपको क्या ध्यान रखना होगा भाई, कि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जितना भी आपको चार्जेस दिया जाए 3, 4, 5, तो हर एक का आप लोगों को इंडिविजुअल पेयर लेना होगा, तो आपको क्या मिलेगा, पूरी के पूरी सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग ऑब्जर्व कर दीजिए। यही चीज़ याद कीजिए आप लोग ग्रेविटेशन के अंदर भी स्टडी करते हो। ग्रेविटेशन में आप लोग क्या करते हो, जी इंटू एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, याद कीजिए। फिर यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हो, जी एम बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, जी एम बाय आर, और यहाँ पे आप लोग लिख रहे थे जी एम स्क्वायर बाय आर, याद कर लीजिए। और सेम चीज़ आप लोग अप्लाई करोगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पोल के लिए, जो काम यहाँ पे चार्ज कर रहा है फोर्स अप्लाई करने का, वही काम चैप्टर 4 चैप्टर 5 के अंदर क्या करेगा भाई, हमारा मैग्नेट करेगा, और मैग्नेट का जो पोल होगा उसकी बात हो रही है, तो वहाँ पे आप लोग सेम इक्वेशन अप्लाई करोगे मैग्नेट के लिए। तो उसे बोला जाता है भाई यूनिफिकेशन। ये चैप्टर हमारा चैप्टर 1, 2 आपका 11th का चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन और हमारा चैप्टर 4, 5 12th का, उन तीनों कंसेप्ट को मिला के आप लोग सेम इक्वेशन पढ़ते हो। ठीक है, और सेम तीनों के अंदर क्या आता है भाई, फील्ड की बात आती है, तीनों के अंदर उसके फोर्स की बात आती है, तीनों के अंदर उसके पोटेंशियल की बात आती है, और तीनों के अंदर उसके एनर्जी की बात आती है। ठीक है, तो इतना आपको चलिए पता होना चाहिए। ओके, तो चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कैपेसिटेंस का बेसिक, कि कैपेसिटेंस आपको कब समझ में आएगा, जब आप लोग उसका बेसिक समझ लोगे। बेसिक के अंदर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं,
कि आप लोग कंडक्टिंग सरफेस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो तो क्या होगा, खास ध्यान से सुनना, कंडक्टिंग सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो तो क्या होगा, और डाई इलेक्ट्रिक सरफेस को, डाई इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग सरफेस, या तो आप लोग बोल सकते हो इंसुलेटिंग सरफेस, उससे अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो क्या होगा, और दोनों में से जिस कंसेप्ट में बेनिफिट होता होगा उसका यूज हम लोग कैपेसिटर के अंदर करने वाले हैं, तो उसका भी रीजन आपको मिल जाएगा कि वाई वी आर यूजिंग इंसुलेटिंग और यू कैन से डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन कैपेसिटर, वाई वी आर नॉट यूजिंग कंडक्टिंग सरफेस, कि भाई कैपेसिटर के अंदर हम लोग कंडक्टिंग सरफेस का क्यों यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो हर एक चीज़ का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरुआत करें। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे पार्ट नंबर एक के अंदर, कंडक्टर्स और यू कैन से कंडक्टिंग सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडी, कंडक्टिंग सरफेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टिंग सरफेस रोसा जाए तो क्या हुआ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करेंगे, यू कैन सी रेडी। चलो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा हर बार हम लोग यहाँ पे प्लस बताते हैं, प्लस से कहाँ तक होगा माइनस, तो आपको ये पूरा कंसेप्ट समझने में हाँ इजी रहेगा। ओके चलिए फिर हम लोग इसके अंदर एक अगर कंडक्टिंग सरफेस ड्रॉ करें, इसके अंदर अगर हम लोग एक कंडक्टिंग सरफेस ड्रॉ करें चलिए इस तरह से, तो क्या होगा आप ही बताइए। कि सबसे पहले आप लोगों को तो इसका स्पेशलिटी पता होना चाहिए ना, इसका स्पेशलिटी कि भाई कंडक्टिंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू कैन सी कंडक्टिंग सरफेस। तो चलिए कंडक्टर का स्पेशलिटी क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड कंडक्टर, कि भाई सिंपल सी बात है, आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, ये कंडक्टर के अंदर क्या होगा भाई, सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो वो रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उसके आउटर ऑर्बिट में से लूज हो जाएंगे, और आउटर ऑर्बिट में से लूज हो जाएंगे तो वो जो एटम्स थे, जो मॉलिक्यूल्स थे, वो क्या हो जाएंगे भाई, आयंस का काम करेंगे ना, और आयंस या तो एटम मॉलिक्यूल्स, आपको भी पता है कि कंडक्टिंग या तो सॉलिड सरफेस के अंदर सिर्फ वाइब्रेशन कर सकते हैं, वो लोग मूव नहीं कर सकते, शांति से सोच लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस बनेंगे वो मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट कौन सी क्वांटिटी कर पाएगी भाई, कौन सा चार्ज कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा बताइए, इस कंडक्टिंग सरफेस के अंदर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉजिटिव आयंस बनेंगे, क्यों भाई, बिकॉज इट इज़ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी क्या होंगे भाई, फ्री ही होंगे, लेकिन वो रैंडम डिरेक्शन के अंदर होंगे, और पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, अपने अपने आसपास सिर्फ वाइब्रेशन कर सकेंगे, ठीक है, वो मूवमेंट नहीं कर सकते। तो आप लोग देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन आर इजी टू मूव, चलिए वो तो मूवेबल है ना, तो ये पॉजिटिव वाला जो चार्ज है भाई, वो हमारे हर एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर यू कैन सी अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज सही में बोला जाए तो क्या होता है, आपको भी पता है कि भाई वो तो थोड़ी ना मूवमेंट होगा, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं कि चलो इस तरफ माइनस चार्ज आ गया, तो सिंपल सी बात है कि उस तरफ पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, एक्चुअल में तो पॉजिटिव चार्ज जो आयंस हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ वाइब्रेशन करेंगे, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए तो अब सिंपल सी बात है, ये कंडक्टर की बात हो रही है, मैं हर बार आपको याद करवाऊंगा, तो जब जैसे जैसे क्या होगा भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पॉजिटिव आयंस बढ़ते जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप लोग सेमी कंडक्टर के अंदर डायोड में भी पढ़ते हो, हर एक जगह पे सेम कंसेप्ट ही रहेगा ना, कि एक बाजू इलेक्ट्रॉन एक बाजू पॉजिटिव आयंस बढ़ते जाएंगे, तो इसके अंदर क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये भी क्या करेगा, एक पोटेंशियल का, एक बैटरी का काम करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर भी उसका खुद का जो इंड्यूस हुआ है, ठीक है, इट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन सी, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हर एक चीज़ आपको आगे प्रूफ में भी काम आएगा, ध्यान रखना भाई, ये हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये क्या होगा भाई, जो इसके अंदर जनरेट हुआ है, ठीक है, वो फील्ड। तो चलो मैंने यहाँ पे इसे इनोड क्यों बताया हुआ है, बताइए, कुछ भी सिंबल दे सकते हो आप लोग, इनोड इसलिए बताया गया है कि अगर भाई ये कंडक्टर नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के अंदर पास होता और हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होता। अब क्या होता है देखो,
कि जैसे जैसे कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पॉजिटिव आयंस बढ़ते जाएंगे, उस तरह क्या होगा भाई, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत भी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा? इंड्यूस, जो इंड्यूस हुआ है और ये हम लोगों ने बाहर से अप्लाई किया हुआ है। तो चलिए, जैसे जैसे इसकी ताकत बढ़ती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बाहर वाला एक्सटर्नल फील्ड और इसके अंदर जो जनरेट हुआ है वो दोनों क्या हो जाएंगे भाई, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा, आप लोग देख सकते हो कि हाँ हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी तरफ है भाई, राइट तरफ, और लेफ्ट साइड कौन सा है, जो इंड्यूस हुआ है। तो जब ये इनोड और ये इंड्यूस हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा भाई, सेम हो जाएगा, तब जाके आप लोगों को ई नेट मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा भाई, जीरो मिलेगा। ये क्या होगा इसका मेन प्रॉपर्टी। अब जो हम लोगों ने पढ़ा भाई, उससे अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को सॉर्ट आउट करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को सॉर्ट आउट करें, तो मैं जितने आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ भाई, वो सभी पॉइंट आईएमपी है, हर एक पॉइंट में से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, आईएमपी एमसीक्यू बनेगा, थियोरटिकल एमसीक्यू बनेगा। तो ये हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ऑलमोस्ट पॉइंट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करें, तो आप लोगों ने क्या देखा भाई, कि जैसे ही हम लोगों ने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो क्या हुआ कि चार्जेस क्या हो गए भाई, सरफेस की ओर स्प्रेड हो गए, वहाँ पे कलेक्ट हो गए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे भाई, हाँ, कि कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, हाँ सबसे पहले आपको दिखने मिलेगा स्टैटिक चार्ज डिस्ट्री, स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सीन ऑन दी सरफेस। ठीक है, आपको सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिलेगा जो स्टैटिक होगा। रेडी, देन दूसरी चीज आप लोग क्या बता सकते हो भाई, कि सभी चार्ज अगर सरफेस पे चले जाएंगे तो गाउसियन सरफेस अगर आप लोग इसके अंदर गैस करोगे तो उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना। तो उसका मतलब आप लोग क्या लिख सकते हो भाई, नेट चार्ज इनसाइड दी कंडक्टर विल बी जीरो। चलिए भाई, नेट चार्ज जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जो हम लोगों ने यहां पे अभी प्रूफ किया। तो नेक्स्ट आप लोग क्या लिखोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑल्सो जीरो। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। और आपको पहले से ही पता है भाई कि अगर पोटेंशियल पूछा जाए तो क्या आएगा, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाए तो क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो जीरो नहीं लिखना, याद है ना भाई, विल बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इसके अंदर कॉन्स्टेंट होगा। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होगा भाई तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा ना, मतलब चेंज इन और यू कैन से डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। और डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी के मुताबिक ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इतना आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहिए, और भी हम लोग एक दो पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, और आपको यह भी पता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा भाई, तो इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जो भी हम लोगों ने आगे कुछ लेक्चर पहले अच्छी तरह से डिटेल में प्रूफ किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे दो प्रूफ बताए थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्यों परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा ये पॉइंट बताया था कि वहाँ पे स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, मतलब चार्जेस सरफेस पे कलेक्ट हो जाने के बाद, वहाँ पे चले जाने के बाद चार्जेस क्यों मूव नहीं करते, क्यों वो स्टैटिक होते हैं, उसका भी रीज़न मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, मैंने जो अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल टू द सरफेस,
रेडी, वो सरफेस के साथ नॉर्मल मतलब कि परपेंडिकुलर होगा, सरफेस को वो परपेंडिकुलर होगा। तो इतने पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें, तो नेक्स्ट कंसेप्ट इसके अंदर ही आप लोग समझ सकते हो, आपको याद ही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग नाम वैसा काम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या होता है, जनरली आपको पता ही है कि जो कंडक्टर के अंदर आप लोग एक कैविटी रखोगे, कैविटी मतलब क्या होगा, होल, जो हर एक चीज को क्या करेगा भाई, एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यस, ओके, चलिए। तो यहां पे क्या बात हो रही है, इससे हम लोग क्या बताएंगे भाई, केविटी, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा, इसके अंदर टोटल चार्ज क्या होगा भाई, जीरो होगा, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट अप्लाई होगा ना, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्यों बोला जाता है। तो जब आप लोग बात करें मॉनसून की, कि जब लाइटनिंग होता होगा, ठीक है, तो वहां पे आप लोग इस कंसेप्ट की वजह से क्या कर सकते हो भाई, बच सकते हो, कि कार के अंदर आप लोग उसके डोर्स और हर एक चीज को एकदम बंद कर दो, तो आप लोग क्या हो जाओगे भाई, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर चले जाओगे, कि आपको बाहर से कुछ शॉक नहीं लगेगा। क्यों? तो यही कंसेप्ट अप्लाई हुआ कि भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर प्रोड्यूस होना चाहेगा, तो इसके अंदर हर एक चार्जेस क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ पे जो हम लोगों ने सीखा उस तरह से इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर या तो केवीटी के अंदर, इस होल के अंदर सिग्मा की मतलब नेट चार्ज, नेट चार्ज जीरो रहेगा, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो रहेगा, और यहाँ पे कुछ वर्क डन नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का जीरो होना मतलब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस नहीं होना। याद कीजिए चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, कि करंट कब और कब प्रोड्यूस हो सकता है भाई, जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता, मतलब उससे आपको क्या मिलेगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मिलेगा, आप उससे बच सकते हो। इसे कैविटी क्यों बोला जाता है बायोलॉजिक, याद कीजिए यही कैविटी वर्ड आप लोगों ने और एक जगह पे पढ़ा हुआ है 11th के अंदर, चैप्टर नंबर 11 में। तो कैविटी का मतलब क्या होता है भाई, वहाँ पे या तो यहाँ पे सेम ही होगा कि हर एक चीज़ को क्या करना, एब्जॉर्ब कर लेना। यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग बायोलॉजिक क्या सोच सकते हो भाई, कि यहाँ पे कोई भी चार्ज आ रहा है एक्स्ट्रा, तो वो चार्ज क्या हो रहा है भाई, सरफेस पे चला जा रहा है। केविटी के अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सेम चीज़ आप लोग पढ़ रहे थे परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए 11th स्टैंडर्ड में, कि कितना भी रेडिएशन आएगा परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या करेगी, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट ब्लैक बॉडी, और उसे आप लोग केविटी बोल रहे थे, या तो कोई भी रेडिएशन वो निकाल सकती है। तो सेम यहाँ पे भी वही होगा कि जितना भी चार्ज होगा हर एक चार्ज सरफेस पे चला जाएगा। इस केविटी के अंदर नेट चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई, जीरो होगा, और दैट इज कॉल्ड केविटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ऑफ केविटी, ठीक है। तो इतना आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करें, ठीक है, इसके इक्वेशन की, कि भाई कंडक्टिंग सरफेस होगा, ध्यान रखना, तो उसकी सरफेस पे इसका इक्वेशन क्या होगा, मतलब हमारा नेक्स्ट पॉइंट। चलिए तो कंडक्टिंग सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि अंदर तो कितना है भाई, जीरो है ना, तो अंदर तो हम लोग नहीं बोल सकते ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, क्या लिखा है भाई, ध्यान रखना, ऑन कंडक्टिंग सरफेस, रेडी। चलिए इसका हम लोग इक्वेशन निकालते हैं गाउस लॉ से, याद कीजिए गाउस लॉ क्या था, याद कीजिए E into dA, ठीक है, E into dA इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यू कैन से इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए यहाँ पे क्या होगा, E into dA होगा इज इक्वल टू, चलिए भाई यहाँ पे सरफेस की बात हो रही है, तो कौन सी डेंसिटी अप्लाई होगी, याद कीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका इक्वेशन क्या होगा, याद कीजिए सिग्मा इज इक्वल टू DQ/dA और Q/dA। तो क्या मैं Q इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू डी ए लिख सकता हूँ कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, सिग्मा इंटू डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो आप लोग समझ गए होंगे कि डी ए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा,
आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका आंसर, ध्यान रखना कंडक्टिंग सरफेस के लिए यही क्वेश्चन आएगा। यही प्रूफ मैं आपको दूसरी तरह से करवा रहा हूँ, आप लोग सिर्फ ध्यान रखना, ठीक है, कि क्या हो सकता है। चलिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर कंडक्टिंग सरफेस आप लोग कोई एक सेल या तो स्फीयर को गेस कीजिए, सेल या तो स्फीयर को, ठीक है, तो क्या होगा बताइए। सेम चीज अगर ये भी, मेरे भाई ध्यान रखना, ये भी अगर कंडक्टिंग होगा तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल होगा जो कांस्टेंट होगा, कितना याद कीजिए, के क्यू बाय आर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी की हर एक क्वांटिटी क्या आएगी, जीरो आएगी। नेट फोर्स सॉरी नेट फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। नेट चार्ज जीरो होगा, क्यों, तो हर एक चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। और डेल्टा भी क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि सरफेस की अगर बात करें, ठीक है, सरफेस पे आपको फील्ड मिलेगा, अंदर कितना होगा, जीरो। तो उसका इक्वेशन आप लोगों को पहले से ही पता है, क्या है याद कीजिए, के क्यू बाय आर स्क्वेयर, ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वेयर। चलिए के इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो होगा कि नहीं। और क्यू मतलब अभी ऊपर मैंने लिख के बताया ना, सिग्मा इंटू ए होगा, सिग्मा इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन आर स्क्वेयर। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिग्मा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अब इस स्फीयर के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, उसकी सरफेस का एरिया कितना होगा, याद कीजिए फोर पाई आर स्क्वेयर। तो चलिए मैं यहाँ पे एरिया की जगह पे अगर फोर पाई आर स्क्वेयर अप्लाई करूँ और अपॉन आर स्क्वेयर, तो चलिए क्या होगा आप ही बताइए। फोर पाई कट, आर स्क्वेयर कट, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने दो अलग अलग तरह से प्रूफ बताया जो आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने में काम आएगा, वो डायरेक्ट भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आपको मिलेगा कंडक्टिंग सरफेस के लिए। यहाँ पे कौन सी चीज़ कन्फ्यूजन हो सकती है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो याद कीजिए, आप लोगों ने जब लार्ज प्लेट को पढ़ा था, गाउस की सेकंड एप्लीकेशन, तो लार्ज प्लेट के लिए एक प्लेट होगी जिसके लिए आपको फील्ड कितना मिलेगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, याद कीजिए। फिर अगर दो प्लेट्स होंगे और दोनों का चार्ज सेम होगा तो उसके अंदर आपको दोनों का ऑपोजिट हो जाएगा, जीरो मिलेगा। उसके आसपास कितना मिलेगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट मींस टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट मींस टू टू कट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो याद कीजिए दो प्लेट्स होंगी, दोनों का चार्ज सेम होगा तो उसकी साइड में आपको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, दोनों की वजह से टोटल फील्ड की बात हो रही है। फिर कंडक्टिंग सरफेस होगी तो आपको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, ठीक है, और एक प्लेट होगी तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो वो आप खास ध्यान रखना। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे मैंने हर एक कंसेप्ट को आपको शॉर्ट आउट करके दे दिया है। अब हम लोग क्या बात करते हैं कि भाई सेम यहाँ पे कंडक्टिंग सरफेस की बात हुई ना, वैसे ही अगर नॉन कंडक्टिंग सरफेस मतलब कि इंसुलेटिंग और यू कैन से डाइलेक्ट्रिक को रखा जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के बारे में जो हम लोग बात करेंगे वो सेम चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटेंस के अंदर काम आएगी। तो हम लोग उसी लिंक की वजह से उसी लिंक की तरह आगे बढ़ रहे हैं जो आपको आगे काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसे एक बार अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें, पार्ट नंबर बी की, अगर नॉन कंडक्टिंग को रखा जाए और यू कैन से डाइलेक्ट्रिक सरफेस को रखा जाए, नॉन कंडक्टिंग सरफेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा। तो खास ध्यान रखना भाई, यहाँ पे हम लोग एक स्मार्ट चार्ट बनाएंगे जिससे आपको क्या होगा, कंपैरिजन करने में इजी रहेगा। तो चलिए भाई, नॉन कंडक्टिंग या तो इंसुलेटिंग सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो यहाँ पे दो पार्ट्स हो जाएंगे, कौन से, कि या तो पोलर आएगा या तो नॉन पोलर आएगा, पोलर और नॉन पोलर ये दो पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, पोलर सब्सटेंस एंड नॉन पोलर सब्सटेंस। रेडी,
चलिए तो सबसे पहले अगर हम लोग डिफाइन करें नॉन पोलर को, तो नॉन पोलर का मतलब क्या होता है भाई, कि जिसके अंदर उसकी खुद की या तो किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा भाई, जीरो होगा। मीन्स इट विल नॉट हैव एनी परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इट विल नॉट हैव एनी It will not have any permanent dipole moment. तो ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए कि नॉन पोलर का मतलब एग्जाम्पल्स क्या होंगे उसके, याद कीजिए नॉन पोलर के अंदर कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे जो नॉन पोलर कहलाएंगे, याद कीजिए तो आएगा H2O2 CO2 और कई सारे एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग इसकी सिंपल बात करें तो नॉन पोलर में क्या होगा भाई, कि उसके पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, उन दोनों एक दूसरों के साथ कोइंसाइड होंगे, कोइंसाइड मतलब इस तरह से होंगे, यू कैन सी, ठीक है। तो क्या होगा कि उनके बीच में बहुत ही डिस्टेंस कम होगा, या तो आप लोग बोल सकते हो कि उसके बीच में ओवरऑल डिस्टेंस कितना होगा, उसके बीच में जीरो होगा, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। और हमारी डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन क्या है बताइए, हम लोग क्या लिखते हैं, 2L into Q लिखते हैं ना, 2L into Q, यहाँ पे 2L मतलब क्या होता है, दोनों का बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का भाई प्लस और माइनस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही जीरो है, ठीक है। 2L मतलब मैं क्या लिखूंगा, D into Q, सोच लीजिए आप लोग, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई कि डाइपोल मोमेंट आपको कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसलिए आप लोग बोल सकते हो कि इट विल नॉट हैव एनी परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इसके इसके हर एक मॉलिक्यूल के पास खुद के पास ही डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो मेरे भाई पूरे सब्सटेंस के पास कहाँ से होगी, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अगर इस नॉन पोलर सब्सटेंस या तो नॉन पोलर एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा बताइए, यू कैन सी। चलिए मैंने क्या बताया भाई, इसी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो क्या होगा, सोचिए सोचिए, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो अब क्या होगा भाई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे आप लोग, तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा भाई, इस तरह अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव वाला उसे खींचेगा अपनी ओर, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव वाला इसे क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब इसमें क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था भाई, जीरो था। और यहाँ पे देख सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने के बाद क्या हो रहा है भाई, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो रहा है, रेडी। तो अब ये क्या होगा भाई, इसके पास डाइपोल मोमेंट होगा जैसा आप लोग बोल सकते हो, फिर पूरे सब्सटेंस में क्या होगा वो भी मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, पहले आप लोग इतना समझ लीजिए। चलिए अब सामने की ओर बात करें पोलर सब्सटेंस, तो अभी आपको मैंने बताया उस तरह से डेफिनेशन, नाम वैसा काम है कि पोलर मतलब इट विल हैव इंडिविजुअल परमानेंट डाइपोल मोमेंट, के भाई इसके पास हरेक के पास इसके हरेक मोलिक्यूल्स की बात हो रही है, इसके हरेक मोलिक्यूल्स के पास क्या होगा भाई, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। क्यों, तो उसके अंदर तो ऑलरेडी क्या होगा कि डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, यू कैन सी, बिकॉज इसके अंदर जो दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा भाई वो जीरो नहीं होगा, तो इसके अंदर क्या होगा बताइए, डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, कितना, P = Q×D। ये हर एक चीज़ समझते जाइए, अभी आपको थोड़ी देर बाद जो हम लोग एक टफ कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, टफ कॉन्सेप्ट उसमें काम आएगा और आपको 100% ईजी लगेगा। यहाँ पे देख लो आप लोग कि पोलर किसे बोला जाता है, जहाँ पे उसके पास कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट हर एक उसके मोलिक्यूल के पास होगा, ठीक है, कितना होगा, P = Q×D। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, इसके एग्जाम्पल में आएगा भाई HCl H2O ammonia NH3
कई सारे एग्जांपल्स आप लोग समझ सकते हो, केमिस्ट्री में भी आप लोगों को ये डिटेल में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट होगा वो थोड़ा फिजिक्स के लिए अलग आएगा समझने के लिए, क्योंकि हम लोग जो आगे प्रूफ करने वाले हैं उसके मुताबिक हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लेकिन एग्जाम्पल्स तो दोनों में क्या आएंगे भाई, सेम ही आएंगे, तो आप लोग याद रख सकते हो। और आप लोग दूसरा ऑब्जर्वेशन कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्लोरीन और एच, ऑक्सीजन और एच, इन हरेक के बीच में जो एटॉमिक नंबर बोलते हैं ना वो अलग है। देखो इन हरेक के वॉल्यूम में बहुत सारा फर्क है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन कीजिए, इसलिए यहाँ पे आपको प्लस माइनस थोड़े अलग मिल रहे हैं, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दोनों का वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि एच टू देखो दोनों एच ही है, ओ टू दोनों ओ ही है, और सी ओ टू तो, लेकिन सी और ओ वो भी दोनों एक दूसरों के नज़दीक है ना, उन दोनों का लगभग क्या होगा भाई, वॉल्यूम सेम ही रहेगा। जबकि यहाँ पे वॉल्यूम में आपको बहुत सारा डिफरेंस देखने मिलेगा, एच वन नंबर पे आएगा, क्लोरीन 70 नंबर पे आएगा, एच वन नंबर, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आएगा, एमोनिया NH3 एच वन नंबर, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ओवरऑल आप लोग देख सकते हो कि एक पॉजिटिव वाला होगा, ठीक है, और एक नेगेटिव वाला होगा, तो उन दोनों के वॉल्यूम में क्या होगा, थोड़ा फर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको कुछ ना कुछ डिस्टेंस मिलेगा, और डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन के मुताबिक कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए तो ही क्या होगा भाई, आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा, जो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा, बिकॉज इन लोगों का वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है, तो वो दोनों क्या होंगे भाई, एक दूसरे के दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर एकदम कोइंसाइड होंगे, तो वहाँ पे आपको ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा, जीरो। यहाँ पे बात हुई एक उसके इंडिविजुअल मोमेंट की, ठीक है, इंडिविजुअल मोमेंट की, एक मोलेक्यूल की। लेकिन यहाँ पे भी मेरे भाई पूरे सब्सटेंस की बात की जाए तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, टोटल डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। याद कीजिए यही कंसेप्ट आप लोग चैप्टर 5 के अंदर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के अंदर सीखते हैं, याद कीजिए। वहाँ पे भी आप लोग वही बोलते थे कि फेरोमैग्नेटिक होगा तो उसके पास भी इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होगा, नो डाउट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे बोलते हो आप लोग मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड या तो बोल सकते हो सिर्फ फील्ड, कि फील्ड के एब्सेंस में जो फील्ड नहीं होगा तो टोटल डाइपोल मोमेंट तो मैग्नेटिक हो, या तो यहाँ पे भी फेरोमैग्नेटिक हो, या तो ये सब्सटेंस हो कौन सा पोलर, वहाँ पे भी क्या होगा, टोटल डाइपोल मोमेंट या तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो ही होगा। क्यों? बिकॉज रूम टेम्परेचर पे ये हर एक डाइपोल क्या होगा भाई, इस तरह से जैसे तैसे अपनी आसपास इस तरह से आप लोग देख सकते हो होगा, ठीक है। तो इसका भी भाई नेट डाइपोल मोमेंट अगर आपको पूछा जाए तो वो तो क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो ही होगा, ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, इसके खुद के मोलेक्यूल के पास कुछ डाइपोल मोमेंट नहीं है, जीरो है, क्यों वो आप देख सकते हो। लेकिन इसके खुद के मोलेक्यूल के पास यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है, लेकिन हर एक डाइपोल मोमेंट एक दूसरों के साथ, ठीक है, रेंडमली अरेंज हुई हैं, इसलिए यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, और यहाँ पे भी नेट डाइपोल मोमेंट तो जीरो ही होगा। लेकिन क्या फर्क है वो आप लोग देख सकते हो। और भी कुछ डाउट हो तो अभी मैं आपको इसका पूरा सब्सटेंस का एग्जांपल बता रहा हूँ, चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग यही स्मार्ट चार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए इसी के अंदर हम लोग बात करें तो यू कैन सी कि क्या होगा, चलिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान रखना कि यहाँ पे मैं एक्सटर्नल फील्ड को सबसे पहले जीरो रख रहा हूँ। कौन से सब्सटेंस के लिए, याद कीजिए पोलर के लिए, यहाँ पे हम लोग पोलर की बात करें तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे अंदर क्या होता होगा बताइए, कि इसके हर एक के पास डाइपोल मोमेंट होगा लेकिन वो रेंडमली अरेंज होगा, ठीक है, जैसे तैसे वो अरेंज होगा। ओके, चलिए और बाजू की बात करें यहां पे यू कैन सी, चलिए तो यहां पे क्या होगा बताइए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होगा यहां पे भी, ठीक है, आप लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हो तो क्या होगा, यहां पे आपको इस तरह से देखने मिलेगा। देखो इसका तो खुद का डाइपोल मोमेंट क्या होगा भाई, हर एक का जीरो होगा, और वो क्या होगा भाई, इस तरह से जैसे तैसे अरेंज होता होगा, ठीक है। तो दोनों के अंदर ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या होगा, दोनों के अंदर आपको नेट डाइपोल मोमेंट तो क्या मिलेगा भाई, जीरो ही मिलेगा, ठीक है। अब खास ध्यान रखना क्या होता है, अब आप लोग अगर इसे
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे। तो याद कीजिए, जैसे हम लोगों ने कंडक्टर को अभी थोड़ी देर पहले कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो अंदर क्या हो रहा था बताइए ना, अंदर टोटल फील्ड जीरो हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। सेम अगर हम लोग नॉन पोलार को, ठीक है, नॉन पोलार को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो क्या होगा हम लोग चेक करते हैं। चलिए, तो इसी सब्सटेंस को हम लोग अब जैसे बताया इसके अंदर रखेंगे। चलो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा बताइए, पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। तो अभी इसके अंदर क्या होगा बताइए, इसके जो नेगेटिव होंगे वो इस साइड अट्रैक्ट होंगे ना, वो इसका पॉजिटिव क्या होगा राइट साइड होगा। तो चलिए अब क्या होगा, हर एक डाइपोल हम लोग पढ़ चुके हैं ना भाई कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उस पर टॉर्क अप्लाई होगा कितना, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो यहाँ पे भी हर एक डाइपोल पे टॉर्क अप्लाई होगा और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा भाई, उसे अट्रैक्ट कर करके, उसे अट्रैक्ट कर करके उसे अलाइन कर देगा। अलाइन मतलब एक डिरेक्शन में अरेंज कर देगा। तब जाके क्या होगा भाई, इसका जो रोटेशन होगा वो रुकेगा और वो ऐसे स्टेशनरी हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे प्लस होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे प्लस यू कैन सी माइनस इस तरह से, ठीक है। रेडी, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, इस पर टॉर्क लगेगा जब आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे एक्सटर्नल फील्ड। अब क्या होगा वो जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर टॉर्क अप्लाई होगा। यू कैन सी टॉर्क अप्लाइड ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑड। और टॉर्क अप्लाई होने से क्या होगा, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा और प्लस क्यों अरेंज हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इसके हर एक के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अटैक करेगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके हर एक पॉजिटिव एंड को अपनी ओर अटैक करेगा और उसे अलाइन कर देगा, उसे रोटेट करके एक तरफ, ठीक है, क्या करेगा भाई, रोक देगा। ओके, तो यहाँ पे अब आपको क्या मिलेगा भाई, नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा जो क्या होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग बाजू की बात करें तो चलो यहां पे क्या होगा देखते हैं। चलो इस सब्सटेंस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा, आप ही सोचिए कि यहां पे दो काम होंगे। अब ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही मजा आएगा, यहां पे एक नहीं दो काम होंगे। क्यों, तो पहले इसके हर एक मोलिक्यूल के पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो पहले क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको माइनस, वो क्या करेगा भाई, इसके हर एक डाइपोल को जिसके पास नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है उसमें डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। कैसे, सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, इसके नेगेटिव को अपनी ओर अटैक करेगा, वो नेगेटिव क्या करेगा अपने इसके पॉजिटिव को अपनी ओर अटैक करेगा। तो इस तरह से होगा, देखो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट दिख रहा है वो खींच के इस तरह से हो जाएगा। यू कैन सी, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे और इन दोनों के बीच में कुछ आपको यू कैन सी डिस्टेंस देखने मिलेगा, डिस्टेंस देखने मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, डाइपोल में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले वो डाइपोल में कन्वर्ट होगा। मैं बीच के स्टेप की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, सबसे पहले वो डाइपोल में कन्वर्ट होगा। आप लोग कुछ दिनों बाद रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, उस हिसाब से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसका दूसरा स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप होगा, अब उसके बाद क्या होगा भाई, इस तरह से आपको देखने मिलेगा। यू कैन सी, देखो अब ये दोनों सेम होंगे कि नहीं, यहाँ पे दो स्टेप में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा या तो आप लोग बोल सकते हो इंड्यूस होगा। यहाँ पे इसके पास मोमेंट तो था ही, सिर्फ रैंडम था जिसे हम लोगों ने अरेंज कर दिया अच्छी तरह से। यहाँ पे तो मोमेंट नहीं था, जिससे हम लोगों ने पहले क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे के इसका मोमेंट जनरेट किया, प्रोड्यूस किया, इंड्यूस किया। अब क्या होगा बताइए, आप समझ गए होंगे कि पार्ट नंबर टू के अंदर, अब दूसरे पार्ट में क्या होगा, यू कैन सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में क्या होगा कि अब ये हर एक डाइपोल क्या हो जाएंगे, टॉर्क लगने की वजह से एक डिरेक्शन मैरेज हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे माइनस प्लस इस तरह से आपको यहाँ पे माइनस प्लस देखने मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि दोनों के अंदर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हो, और यहाँ पे क्या होगा आपको डाइपोल मोमेंट अब जीरो नहीं मिलेगा। जब एक्सटर्नल फील्ड क्या होगा जीरो नहीं होगा, मतलब आप लोग इसे एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखोगे तब, ठीक है। तो दोनों में क्या फर्क था समझ गए भाई, इसके पास खुद के पास इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट था, इसके पास नहीं था, इसने फील्ड में रखा तो ये डायरेक्ट अरेंज होकर फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो गया। यहाँ पे पहले वो सेपरेट हुआ, डाइपोल बना, डाइपोल मोमेंट उसके पास आ गया परमानेंट, फिर वो एक डायरेक्शन में घूमा, रोटेट हुआ और फिर टॉर्क लगा, और ये क्या हो गया भाई उसमें एक डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया, और इसके अंदर डाइपोल मोमेंट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ऑब्वियसली आप लोग देख, अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, तो यस, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस होगा, ज़्यादा होगा, उतना आपको ज़्यादा डाइपोल मोमेंट अच्छी तरह से और जल्दी से मिलेगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो उतना डाइपोल मोमेंट आपको कम या तो बहुत देर के बाद मिलेगा। तो ये कंसेप्ट याद रखना, आपको अभी थोड़ी देर बाद काम आएगा। तो चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं एक नए कंसेप्ट की इसके ऊपर से ही, ठीक है। ओके यू कैन सी, ओके चलिए भाई, अब इसके ऊपर से हम लोग एक और कंसेप्ट को पढ़ते हैं। अभी जो हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं भाई, वो वर्ल्ड आप लोग मैग्नेट के लिए भी समझ सकते हो। मैं बीच बीच में आपको याद कराऊंगा कि किस तरह से आप लोग मैग्नेट के लिए स्टडी कर सकते हो। सेम अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो भी आप लोग मैग्नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो उसका कंसेप्ट। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बोल रहे हो वो वहाँ पे आप लोग मैग्नेटिक डाइपोल बोलोगे, और अब जो मैं प्रूफ करवा रहा हूँ वो वर्ड टू वर्ड प्रूफ आप लोग मैग्नेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ सिंबल्स चेंज होंगे, कंसेप्ट एक ही रहेगा। तो ध्यान रखना, आपका दो बार फायदा होने वाले हैं, मैग्नेटिक में भी हम लोग ये फिर से स्टडी करने ही वाले हैं। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइइलेक्ट्रिक केप्ट इन केप्ट बिटवीन टू चार्ज्ड सरफेसेस केप्ट बिटवीन टू चार्ज सरफेसेस। क्योंकि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भाई चार्ज्ड सरफेसेस के बीच में रखा जाए तो क्या हुआ, चार्ज सरफेस की बात आए तो आपको कौन सी डेंसिटी याद होनी चाहिए भाई, चार्ज डेंसिटी, कौन सी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, उतना आप लोग याद रखना। तो चलिए हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप अगर बात करें तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे दो चार्ज सरफेसेस होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा प्लस सिग्मा, ध्यान रखना, और इसके पास होगा माइनस सिग्मा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, पहले से आपका सिंबल पे ध्यान होना चाहिए, बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले से ही ध्यान रखना सिग्मा माइनस सिग्मा इसके पास चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो ही कैपेसिटर बनेगा ना, ये कैपेसिटर का प्री प्लानिंग प्री प्रिपरेशन चल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा बताइए कि इसके अंदर प्लस से माइनस रेडी, इसके अंदर प्लस से माइनस इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बात कर रहा हूँ मेरे भाई, जिससे हम लोग बात जिससे हम लोग बता देंगे ई नोड, ई नोड मतलब कि अब कुछ नहीं रखा हुआ है, कुछ मतलब कि अभी मैंने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जिसको हम बोलते हैं याद है ना कैपिटल के, उसे नहीं रखा हुआ है तो क्या होगा बताइए, तो आप ही बताइए उसका इक्वेशन क्या होना चाहिए। E नोड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड होगा कि नहीं, अभी मैंने क्या किया है भाई, कुछ अंदर नहीं रखा हुआ है तो क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड कहाँ से आयात कीजिए, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है कि ये प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होगा, अगर आप लोग कोई पॉजिटिव चार्ज गेस करोगे तो ये इसे धक्का मारेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा, कितना होगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट का, दूसरी प्लेट का प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, टू टू कट आपको मिलेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अब ध्यान रखना कि अगर मैं इसके अंदर
डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख दूं, यू कैन सी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वाई के, ठीक है, ये आपको आगे काम आएगा ना, तो अभी से आपको पता होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए। चलिए, तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि ऑपोजिट डिरेक्शन में डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं, ऑपोजिट डिरेक्शन, यू कैन सी यहाँ पे प्लस होगा, तो अभी मैंने आपको सिखाया ना भाई, माइनस प्लस इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस प्लस, ठीक है, पूरे इस सेंटेंस के अंदर ऐसा ही आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो कि बीच में प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, नलीफाई कर देंगे, बीच में क्या करेंगे, ये प्लस माइनस एक दूसरे को नलीफाई करेंगे। इस सेंटेंस के अंदर फाइनली सिर्फ उसकी सरफेस पे आपको क्या देखने मिलेगा, नेगेटिव चार्ज, और फाइनली उसकी सरफेस पे आपको क्या देखने मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर भी एक सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे मैं बता दूंगा भाई सिग्मा ऑफ पी, नेगेटिव सिग्मा ऑफ पी और पॉजिटिव सिग्मा ऑफ पी। पी मतलब क्या होना भाई, पोलराइजेशन। इस थियरी को आप लोग क्या बोल सकते हो, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेट्रिक। अब पता चल गया भाई, हम लोग सबसे पहले डाइलेट्रिक क्यों पढ़ रहे थे, कि डाइलेट्रिक अभी जो हमने बताया उसके मुताबिक आप लोगों को इसे डिफाइन करना है, पूरा डिराइव करना है। चलिए भाई, तो डाइलेट्रिक का क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो आप लोग, सिग्मा पी लिखा हुआ है, ध्यान रखना सिग्मा पी। तो चलो, इसके अंदर भी एक हमने बताया उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं, तो कितना होगा, जिसे मैं बता दूंगा भाई ई ऑफ पी, यहाँ पे मैं सिंबल बता दूंगा सिग्मा ऑफ पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हर एक सिंबल ध्यान में रखना, आपको अभी आगे जाके काम आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए, अब बात को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसे ध्यान में रखना, अभी थोड़ी देर बाद आपको काम आएगा, रेडी। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि इसके अंदर जो पोलराइजेशन होगा, ठीक है, वो कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, कि इसके अंदर कितनी डाइपोल मोमेंट एक डिरेक्शन में अरेंज हो रही हैं, इसके अंदर कितनी डाइपोल मोमेंट एक डिरेक्शन में अरेंज हो रही हैं, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, सोचिए आप लोग, उतनी डाइपोल मोमेंट क्या होंगी भाई, एक डिरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग आपके क्लासरूम की बात सोच सकते हो, कि अगर कोई फैकल्टी क्लासरूम में नहीं होगा तो हर एक डाइपोल मोमेंट, मतलब हर एक स्टूडेंट क्या होगा भाई, रेंडमली अरेंज हो जाएगा कि नहीं, तो पूरे क्लास का ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अब जैसे ही फैकल्टी अंदर आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका जितना स्ट्रिक्टनेस होगा, मतलब जितना वो फैकल्टी स्ट्रिक होगा, जितना वो टफ होगा, उतना क्या होगा भाई, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उस मुताबिक हर एक स्टूडेंट क्या करेगा, एक डिरेक्शन में अरेंज हो जाएगा और वो अच्छी तरह से पढ़ेगा। अगर वो फैकल्टी एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, तो कुछ स्टूडेंट अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे, मतलब कुछ डाइपोल मोमेंट अरेंज नहीं होगी, बाकी की हो जाएंगी, और एकदम स्ट्रॉन्ग होगा तो हर एक डाइपोल मोमेंट एक डिरेक्शन में अरेंज हो जाएगी, मतलब आपको अच्छी तरह से पोलराइजेशन मिलेगा इस सब्सटेंस का, और आप लोग बोल सकते हो अपने क्लासरूम का। तो पोलराइजेशन के लिए मैं क्या एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि नहीं, यही स्टेटमेंट मेरे भाई आप लोग मैग्नेट के अंदर भी लिखोगे, कितना चेंज आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, यू कैन सी फ्रॉम दी थियोरी, पोलराइजेशन कैपिटल पी की बात हो रही है, डाइपोल मोमेंट नहीं, पोलराइजेशन पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पोलराइजेशन पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था लास्ट कंसेप्ट में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कि भाई इसका पोलराइजेशन कितना होगा, जितना इसका डाइपोल मोमेंट एक डिरेक्शन में अरेंज होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। चलिए, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, चलो एक कंसेप्ट भी आपको थोड़ी देर बाद काम आएगा, मैं कैपिटल पी लिख रहा हूँ, पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखना, थोड़ी देर बाद आपको काम आएगा, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपको जैसे ही नाम आप लोगों ने सोचा पोलराइजेशन, जैसे ही आप लोगों ने नाम सुना पोलराइजेशन, आपको क्या होगा भाई, एकदम डाउट होगा कि व्हाट इज पोलराइजेशन। तो अब मैं क्या करूंगा, पोलराइजेशन को डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज पोलराइजेशन, तो उसका भी एग्जांपल आपको मिल जाएगा अभी। हाँ, पोलराइजेशन इज
पोलराइजेशन इज टोटल डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रखना पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल डाइपोल मोमेंट को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो भी मैंने दिया हुई कि आपके क्लासरूम में पोलराइजेशन हर एक स्टूडेंट का कब बोला जाता है, पूरे क्लासरूम का पोलराइजेशन कब बोला जाता है, जब पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के अंदर मैं देखूँ कि भाई यहाँ पे 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट्स, तो क्या वो एक डायरेक्शन में अरेंज हो गए कि नहीं, तो उसका पोलराइजेशन हो गया। दूसरे में यूनिट वॉल्यूम की बात करूँ, दूसरे 10 स्टूडेंट, तीसरे 10 स्टूडेंट, वैसे करते करते मैं वन बाय वन यूनिट वॉल्यूम को देखता जाऊँ और मैं ऑब्जर्वेशन कर लूँ कि यस हर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर हर एक स्टूडेंट एक डायरेक्शन में अरेंज हो गया है, तो उसका मीनिंग क्या हो गया कि पूरे क्लासरूम का पोलराइजेशन हो गया है। ये सेम चीज़ आप लोग मैग्नेट के अंदर क्या लिखते हो याद कीजिए कि मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, कितना मिलता आ रहा है देखो। और वहाँ पे भी आप लोग देख लिखते हो कि व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, तो वहाँ पे आप लोग वर्ड टू वर्ड लिखते हो कि मैग्नेटाइजेशन इज टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, 100% कंसेप्ट मिलता आ रहा है, 100% ध्यान रखना। ये समझ में आ गया तो आपको आ जाएगा, वो समझ में आ गया तो ये आपको ईजी लगेगा। चलिए, तो पोलराइजेशन मतलब क्या होना, पूरे क्लासरूम का पोलराइजेशन होना मतलब क्या होना, पर यूनिट वॉल्यूम उसकी टोटल डाइपोल मोमेंट का क्या होना, एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाना। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है और यहाँ पे पोलराइजेशन है। चलिए, डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन क्या होगा बताइए, यहाँ पे मैं बता दूंगा मेरे भाई डिस्टेंस डी को। तो डाइपोल मोमेंट मतलब क्या होता है, टोटल चार्ज जो यहाँ पे जनरेट हुआ और डिस्टेंस डी अपॉन वॉल्यूम। चलिए, अभी मैंने आपको बताया ना सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे पोलराइजेशन की मतलब क्या हुई कि इसके अंदर जो पोलराइजेशन हुआ उसकी बात हो रही है, तो आप ही सोचिए कि क्या मैं सिग्मा लूँगा, सिग्मा पी लेना चाहिए, आप ही सोचिए। पोलराइजेशन के अंदर नाम ही लिखा हुआ है पोलराइजेशन, इसलिए तो मैंने सिंबल भी यहाँ पे सिग्मा पी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिग्मा पी के फॉर्म में आप लोगों को आंसर देना है, कौन सा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, क्यू बाय ए। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चलिए, क्यू की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा पी इंटू ए इंटू डी। ठीक है, पोलराइजेशन की बात हो रही हो तो जो सिग्मा पी होगा उसका सिंबल वही लिखना चाहिए ना, सिग्मा थोड़ी ना चलेगा, सिग्मा तो कब मिलेगा जब इसके अंदर कुछ नहीं होगा तब। चलिए, ये तो उसकी मेन जो सीट्स हैं उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। चलिए, वॉल्यूम मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया इनटू डिस्टेंस लिख सकता हूँ कि नहीं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। चलिए, अब ध्यान रखना क्या होगा, एरिया एरिया डिस्टेंस डिस्टेंस कट हो जाएगा, फाइनली आपको मिलेगा सिग्मा ऑफ पी। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको नीट के अंदर पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो P इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ P, क्यों, तो ये प्रूफ आपको याद रखना है, डायरेक्ट रटना नहीं है, आप लोग सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखिए, आपको पूरा प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, इतना ही प्रूफ है, आगे भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये आपको MCQ में काम आएगा कि पोलराइजेशन इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड सरफेस, जो सरफेस पोलराइज हो गई उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और P दोनों सेम होंगे, ये आप लोग ध्यान में रखना। चलिए, अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अब यहाँ पे ऑब्वियस बात है मेरे भाई कि मैं प्रोपोर्शनल की साइन को रिमूव करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिखना होगा कि नहीं। यहाँ पे आप लोग दो कांस्टेंट को लॉन्च करोगे, एक तो आपको पता ही है एप्सिलॉन नॉट, दूसरा आएगा काई ऑफ ई इंटू कैपिटल ई। चलो, काई ऑफ ई मतलब क्या होता है याद कीजिए, काई ऑफ ई मतलब वेयर काय ऑफ ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, याद कीजिए आप लोग यही चीज मैग्नेट वाले चैप्टर में क्या लिखोगे पता, यही लिखोगे, लेकिन आप लोग यहां पे लिखोगे काय ऑफ एम मतलब कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चलिए, ससेप्टिबिलिटी के बारे में बात की जाए तो परमिटिविटी और ससेप्टिबिलिटी में क्या फर्क है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, ये आपको समझ में आ गया तो सेम आपको परमिबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के क्या बीच में क्या फर्क है वो आपको मैग्नेट वाले चैप्टर में ऑटोमेटिक अभी से पता चल जाएगा। देखिए, परमिटिविटी का मतलब क्या होना, मैंने आपको टेक्निक बताया था, उसके अंदर एक परमिट वर्ड आ रहा है कि सब्सटेंस की परमिटिविटी नक्की करेगी, डिसाइड करेगी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, वो उसे अलाउ करेगा कि अलाउ नहीं करेगा अपने में से पास होने के लिए।
और याद रखना ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होना, कुछ ससेप्ट करना, मतलब कि ससेप्टिबिलिटी डिसाइड करेगी कि आपके सब्सटेंस का कितना पोलराइजेशन होगा, मतलब उस सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के रखने के बाद, अंदर रखने के बाद उसकी डाइपोल मोमेंट कितना जल्दी या तो कितने नंबर्स में एक डिरेक्शन में अरेंज हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, उसे ससेप्टिबिलिटी बोला जाता है कि कितने स्टूडेंट्स आपके क्लासरूम की ससेप्टिबिलिटी कैसे निकालोगे भाई, कि कितने स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ही डायरेक्शन में अरेंज होना चाहते हैं, उसके मुताबिक उसका ससेप्टिबिलिटी नक्की होगा। ठीक है, तो परमिटिविटी मतलब क्या होना, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने देना या नहीं होने देना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चलो पास हो गया तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में कितना डाइपोल एक डायरेक्शन में अरेंज हो रहा है, उससे आप लोग बोल सकते हो ससेप्टिबिलिटी। उसके मुताबिक उसमें पोलराइजेशन जनरेट होगा, किसी की ससेप्टिबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो उसमें पोलराइजेशन कम होगा, ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसमें पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उतना आपको समझ में आना चाहिए, जो किसी बुक में अच्छी तरह से डिटेल में नहीं बताया होगा, जो मैंने आपको शॉर्ट आउट करके बताया गया इतना आपको पता होना चाहिए। तो सेम चीज़ ये इक्वेशन आपको काम आ जाएगा। चलिए, तो ये मैंने आपको कर दी पूरे की पूरी प्री प्रिपरेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं भाई, पिक्चर को शुरुआत करते हैं। चलिए, अब आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मेरे भाई आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, आज पूरे लेक्चर में हम लोगों ने यही पढ़ा है ना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा। यहाँ पे आप एक एक वर्ड देख सकते हो, देखो कि जितना हम लोगों ने दिया था पहले, फिर हम लोगों ने सब्सटेंस को रखा तो ऑब्वियसली क्या हुआ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया ना। हाँ, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, तो क्या हो जाएगा, ई नोड माइनस ई ओ पी। रेडी, चलिए। ई नोड मतलब क्या होता है, हर एक चीज आपके पास अब तैयार है। देखो, आपने देख ला ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड, यू कैन सी। और सिग्मा ई ओ पी मतलब क्या होता है भाई, सिग्मा ऑफ पी बाय एप्सिलॉन नोड। ठीक है, चलिए क्या होगा बताइए, फाइनली सिग्मा माइनस सिग्मा ऑफ पी बाय एप्सिलॉन नोड, काम आ गया कि नहीं हर एक चीज। चलिए, अब मैं सिग्मा की जगह पे एप्सिलॉन नोड सामने जाने दूंगा, क्या लिख सकता हूँ बताइए, ई नोड इंटू एप्सिलॉन नोड लिख सकता हूँ कि नहीं, ई नोड इंटू एप्सिलॉन नोड माइनस, चलिए सिग्मा ऑफ पी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, सिग्मा ऑफ पी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ कैपिटल पी, मतलब पोलराइजेशन अपॉन एप्सिलॉन नोड इज इक्वल टू ई नोड एप्सिलॉन नोड माइनस। अब मैं क्या पी की जगह पे ये लिख सकता हूँ कि नहीं, देख रहा ना, हर एक प्री प्रिपरेशन जो किया वो अब आपको फटाफट काम आ गया, एप्सिलॉन नोड इंटू काई ऑफ ई इंटू कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए, अब ये इक्वेशन आपको खास ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इससे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए आप लोग एमसीक्यूज को सोल्व कर पाओगे। ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू काई ऑफ ई टू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चलिए इसे आप लोग ध्यान में रखना। अब मैं इस इक्वेशन को सामने जाने दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था भाई, वो काई ऑफ ई ई ऑफ पी रहेगा ना। हाँ, अब एप्सिलॉन नॉट सामने जाएगा, एप्सिलॉन नॉट सामने जाएगा, चलिए क्या होगा बताइए, ई नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट इंटू काई ऑफ ए इंटू ई ऑफ पी। रेडी, तो चलो ये हर एक चीज़ आपको क्या आएगी, आगे जाके काम आएगी, सिंपल सी बात है। तो इतना आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, इसे आप लोग सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, और मैग्नेट के अंदर आप लोग सेम प्रूफ करने वाले हो वो भी याद रखना। ओके, चलो भाई नेक्स्ट स्टेप। यस, यहाँ पे सिर्फ ई लिखना है आपको। चलिए भाई, ये माइनस वाला स्टेप लेफ्ट साइड आएगा, आपको मिलेगा ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस में देगा एप्सिलॉन नॉट इंटू काई ऑफ ई इंटू कैपिटल इज इक्वल टू ई नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। चलिए भाई, यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा और ई भी कॉमन निकल जाएगा, ई को मैं बता देता हूँ राइट साइड की ओर। ठीक है, चलिए क्या बचेगा, बीच में एप्सिलॉन नॉट चला गया, ई भी चला गया, यहाँ पे सिर्फ बचेगा वन प्लस, यहाँ पे सिर्फ बचेगा काई ऑफ ई। यू कैन सी एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया,
कैपिटल ई को भी कॉमन निकाल लिया, इतना बचेगा सामने की ओर, बचेगा आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इन टू एप्सिलॉन जीरो। चलो अब ध्यान रखना भाई, यहाँ से आपको याद रखना होगा एक चीज़ कि ये जो पूरा इतना स्टेप दिख रहा है ये पूरा कॉन्स्टेंट है, आप लोग देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट इंटू वन प्लस का ही। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, एप्सिलॉन लिख सकता हूँ ना, एप्सिलॉन मतलब जो मीडियम मैंने रखा उसका परमिटिविटी, क्योंकि यहाँ पे तो एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है वो तो क्या है एयर या तो वैक्यूम का है ना, जो मीडियम रखा उसका परमिटिविटी तो कहीं भी दिख नहीं रहा। इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा भाई, एप्सिलॉन इंटू कैपिटल ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन जीरो, वेयर वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम। चलिए अब एक दो स्टेप की बात है, कैपिटल ए को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, क्या होगा बताइए, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन। अब मैं क्या करूंगा लास्ट स्टेप, देखो एप्सिलॉन नॉट ऊपर है ना न्यूमरेटर में, उसे मैं ले लूंगा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो एक ही स्टेप होगा कि नहीं, देखो सोच लीजिए क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, दोनों सेम ही होगा ना, फिर से ऊपर जाएगा तो ये स्टेप आ जाएगा, इससे क्यों लिखा तो अब आपको समझ में आ गया होगा भाई कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैपिटल के होता है कि नहीं। चलिए ये मिल गया आपको फाइनल आंसर, जो मैंने ऊपर हेडिंग में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसका जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है टोटल उसके के टाइम डिवाइड बाय के मतलब केथ पार्ट का होगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या फाइन कर लिया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक के लिए फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइन कर लिया चार सरफेस के लिए, कितना होगा उसका जो मेन था जब हमने सबनस नहीं रखा था उसका केथ पार्ट हो जाएगा। तो याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ कि कितने इक्वेशन आपको काम आ जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे कितने इक्वेशन ध्यान में रखने, एक तो ये वाला पूरा, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स रेडी, और ये इक्वेशन आपको काम आएगा, यू कैन सी जिसकी जगह पे मैंने ई लिखा हुआ है, देखो ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू वन प्लस काई, ठीक है। चलिए एप्सिलॉन नॉट में नीचे ले लूँगा, मुझे क्या मिलेगा वन प्लस काई। चलो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन मतलब क्या होता है, कैपिटल के होता है कि नहीं, वन प्लस काई। तो ध्यान रखना भाई, इस टाइप का सेम इक्वेशन आप लोग मैग्नेट में भी स्टडी करोगे, ये मोस्ट टाइम इक्वेशन है, डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू वन प्लस काई। सिर्फ आपको मेरे भाई वैल्यू दी जाए, आप लोग वन को माइनस या प्लस करोगे आपको के काई मिल जाएगा, नीट के लिए एमसीक्यूज के लिए मोस्ट टाइम की कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको वन को कब प्लस करना कब माइनस करना उतना ही ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है। और बाकी का जो रिजल्ट मिला वो तो आपको पहले से ही पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हर एक चीज़ क्या होता है केथ पार्ट होता है, सिर्फ कैपेसिटेंस के टाइम्स होगा। अब कैपेसिटेंस क्यू के टाइम्स होगा वहीं से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करने वाले हैं और उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ओके। चलिए भाई, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करके इसका रिवीजन करके फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।